देखो भाइयों, ये ऑकलैंड में एक बहुत ही बढ़िया रेनबो दिख रहा है आज। बहुत ही टाइम के बाद मैंने देखा, तो ये है रेनबो ऑकलैंड का। ऐसे ही मैंने रेंडमली वीडियो बना लिया आज। क्या हाल है भाई लोगों? जैसे कल आपने एक दो रैंडम वीडियोस मेरे देखे थे जो मैंने क्लिप्स बनाए, एक में आपने देखा था कि रेनबो के बीच में, ऑकलैंड में रेनबो के बीच में कितना अच्छा एक छोटा सा प्लेन आ गया था। और लॉकडाउन वापस से शुरू हो गया है ऑकलैंड में, लॉकडाउन 3। तो ये मास्क वास्क लगा के बैठे हैं और अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना है। तो आप देख सक रहे हैं कि ऑकलैंड का रोड वापस से खाली हो गया है। ज्यादा ट्रैफिक व्राफिक नहीं है, एकदम खाली है। और आज सैटरडे है लेकिन लोग फिर भी घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। अच्छा क्लाइमेट है, थोड़ा बादल है, थोड़े बादल हैं और थोड़ा धूप निकला हुआ है लेकिन ठंडक है थोड़ी। तो बस ये है, आज ऐसे ही मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ और मैंने सोचा कि चलो एक रैंडम वीडियो बना लूं मैं वापस से। आशा करता हूं कि आप लोग जहां पे भी एकदम सही कुशल मंगल होंगे। ये ऑकलैंड शहर खामोशी से भरा हुआ है अभी। पेड़ों में से पत्तियां गिर गई हैं, रास्ते सुनसान है और हम निकले हैं। थैंक यू। और हम निकले हैं मास्क पहन के। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि बाहर खड़ा रहना पड़ता है शॉपिंग के, एक और इंडियन शॉप जहाँ पे लोग बाहर खड़े हुए हैं लाइन लगा के। ये शॉप में भी देखो बाहर खड़े हुए हैं, अंदर अलाउड नहीं है। और ऑकलैंड में क्या है कि मास्क पहनना इन्होंने कंपलसरी नहीं बनाया, लेकिन रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप पहनो तो बढ़िया है। रूल का भी लागू कर सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन अभी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप लोग इतने समझदार हैं, आपको रूल्स की क्या जरूरत है, तो खुद ही अपने आप मास्क पहन लीजिए। तो पहले मना करते थे मास्क पहनने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट खुद रिकमेंड कर रही है। अगर लोगों ने पहनना शुरू नहीं किया तो शायद फिर कंपलसरी रूल लगा सकती है। आज पता नहीं मेरे को गाना गाने का क्यों मूड कर रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा एक कोरियन लड़के के साथ जिसके साथ मैंने गाया था जिमी जिमी आजा आजा, वो लड़की ने गाया था एक्चुअली हिंदी में, मैंने सपोर्ट दिया था और फिर उसने कोरियन में भी गाया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ही फेमस हुआ है मेरा वाला जो वीडियो। अब तो मुझे वो गाना गाने का इच्छा हो रही है अभी गाड़ी चलाते चलाते। तो चलो ट्राई मार लेते हैं। ट्राई मारने में क्या हर्ज है, उसमें तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चला के रखा था हमने एक्चुअल वाला। ये म्यूजिक बिना मैं ट्राई कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलिए 1 2 3। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात, पुकारे तुझे सुन
सुना दे वही धुन, जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा। ये काली काली आंखें चुरुरु चुरुरु, ये गोल मुझे आते नहीं यार लिरिक्स, लिरिक्स देखा ना लिरिक्स नहीं आता है तो उल्टा सीधा गाना गा रहा हूं मैं। ये खुले खुले रास्ते, गाड़ी है सिर्फ मेरी, हा हा हा, क्या लिरिक्स बना दिया मैंने। ये ऑकलैंड शहर के रास्ते खाली है चुरुरु चुरुरु, सिर्फ एक आध गाड़ी आपको दिख रही है चुरुरु चुरुरु। ये वायरस हुआ क्या साला, लॉकडाउन करा दिया और ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। ये ऑकलैंड शहर के रास्ते खाली है चुरुरु। अब कौन सा गाना गाया जाए, कोई तो गाना मेरे को आए भाई। मैं कुत्ते को रोटी खिलाऊं मेरी मर्जी, माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, उसने कहा तेरे साथ शादी रचाऊं। मैंने यार ऐसा तो एक गाना नहीं है जो जिसका पूरा लिरिक्स मेरे को आता हो। चलो बोर नहीं करना आपको ज्यादा, अभी भी मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। पूरा गोल चक्कर मारा, तो ये क्या है आपको मैंने बताया, मैं खाना खाने का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इंडियन फैमिली है जो घर से ही बिजनेस करती है कैटरिंग का। उनके कैटरिंग की जो कंपनी है उसका नाम उन्होंने रखा है समृद्धि, समृद्धि कैटरिंग। तो वो क्या हर सैटरडे संडे को, और जब भी किसी के घर में पार्टी हो तो स्पेशली तो सैटरडे संडे को रेगुलर मेन्यू बनाती है नया नया, और फिर व्हाट्सएप पे अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मेन्यू वो टेक्स्ट से भेज देते हैं कि अच्छा ये सैटरडे को ये बनाया, किसी को ऑर्डर करना है क्या। तो वहीं मैं जा रहा हूँ अभी ऑर्डर, तो काफी अच्छी अच्छी वैरायटी बनाती हैं, जैसे कभी इडली बनाया, कभी मेदू वड़ा बनाया, कभी पाव भाजी बनाया, तो कभी वड़ा पाव बनाया, और यानी और जैसे कभी मराठी मिसल पाव बनाया, तो वैरायटी चीजें बनाती रहती हैं। तो अच्छा लगता है, इंडिया का खाना मिस नहीं होता, बिल्कुल घर जैसा खाना बनाते हैं ये। तो मैं वहीं आया हूँ लेने, तो देखते हैं आज गणेश चतुर्थी भी है तो मैंने वो उनसे ऑर्डर किया गणेश चतुर्थी के लड्डू और थोड़े बहुत खाना है मसाले भात बोलते हैं, रायता वायता आलू की सब्जी वो सब, तो वो लेने आया हूँ। यहाँ पे हर शॉप के आगे अभी ऐसे साइन बोर्ड लग गए हैं, मोबाइल में एक ऐप है गवर्नमेंट का, तो यहाँ ऐसे स्कैन कर दो ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो देखो जैसे यहाँ पे आया हुआ हूँ समृद्धि फूड, तो यहाँ का इनका खुद का एक स्कैन है जो गवर्नमेंट के डाटाबेस में जाएगा। तो आप कहीं पे भी शॉप में जाते हैं वहाँ पे ये स्कैन करना पड़ता है, अगर आपके मोबाइल में वो ऐप है तो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि आप कहाँ कहाँ गए थे उस दिन, और इनकेस के जरूर पड़े या वही शॉप में कोई किसी को वायरस हो जाए। तो भाइयों आपने देखा कि मैं वहां पे गया था खाना लेने, खाना लेके आ गया हूं मैं। ये रहा, मैंने अंदर का वीडियो नहीं लिया क्योंकि उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया था, तो अगली बार वो जो उन्होंने बोला कि उनका नया घर बन रहा है तब लेंगे, तो मैंने बोला ठीक है, तो बस पैक करके लेके आ गया हूँ और अभी अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या लाया मैं। चलिए भाइयों, तो मैं लेके आ गया खाना अंदर गणेश चतुर्थी का, और आज गणेश चतुर्थी जैसे मैं आपको दिखाया कि मैं लेने गया था, और देखते हैं जल्दी से मैं क्या लेके आया, और फिर मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा, लंच लूंगा पिक्चर देखते हुए, फिर मैं दोपहर ऐसे ही पास कर लूंगा सैटरडे है। तो मैं खाने में लाया हूँ कुछ बेसन के लड्डू,
ये है पूरी आलू की सूखी सब्जी, ये है मसाला भात, मसाले भात जो शायद महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, और ये रायता। तो इन शॉर्ट पूरी, मसाला भात, मसाले भात बोलते हैं शायद, और रायता, आलू की सूखी सब्जी, खीर, ये खीर है खीर, और ये लड्डू। बस तो लड्डू तो मैं शेयर करूंगा नेबर्स के साथ और खाना खा के बस एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप के आपको ये छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप अच्छा लगा हो ऑकलैंड का। ठीक है, टेक केयर गाइस।